पढ़ाई तो करवे करते है भाई, कुछ और हो जाता है, करना नहीं चाहते हो जाता है। ऐसे ही आए पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने आए। पंडाल में पढ़ाई हो रहा है भाई, ये कौन सा पढ़ाई हो? अभी तो पढ़ाई नहीं होती, प्रवचन सुनने के लिए। दम खोल कर ये देखिए, लफुआ गिरी वाला काम हुआ, केना बनेगा आत्मनिर्भर, केना बनेगा आप ही बताइए। नहीं बात तो आप सही, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए ताकि ऐसी बनेगा। ऐसे नहीं, खुद पर निर्भर रहना जरूरी है। तो कैसे निर्भर रहिएगा, खुद पर निर्भर रहिएगा, आपके गार्जियन भी सपोर्टर होना चाहिए या नहीं? हाँ, इसके लिए तो बैकग्राउंड अच्छा होना ही चाहिए। देखिए अभी खुद बोल रहे थे आत्मनिर्भर बनाएंगे, फिर करे गार्जियन सपोर्टर। हाँ, तो पहले गार्जियन का अगर सपोर्ट रहेगा तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि बेरोजगार। अच्छा सुनिए सुनिए, बटम खोल कर ये देखिए, लफुआ गिरी वाला काम हुआ, केना बनेगा आत्मनिर्भर, क्या बनेगा आप ही बताइए। नहीं बात तो आप सही, सुनिए आप बताइए कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? हम तो अभी 11th में, 12th के एग्जाम अगले बार देंगे 24। पढ़ाई करते हैं कि कुछ और ही करते हैं? नहीं पढ़ाई तो करवे करते हैं, कुछ और हो जाता है, करना नहीं चाहते हो जाता है। मेरे एक सवाल ऐसा कि हर इंसान को गलत और सही पता रहता है, फिर गलत क्यों करता है, गलत काम क्यों नहीं करता है? अच्छा सुनिए, आपको पता है ना गलत गलत होता है, फिर आपसे भी हो जाता है, चूंकि आप करना नहीं चाहिएगा। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति को हम देखते हैं कि गलत में ज्यादा अभी रुचि रहता है, इसलिए गलत हो जाता है। अब देखिए इधर एक गले में चेन, एकदम बटन खोले हुए और माथे पर टीका, इधर सभी लोग बोले बम बम बोले। अच्छा ये बताइए, एकदम पूरा खोल दिए, आप बताइए, अभी बात हो रहा था आत्मनिर्भर भारत बनाने को, क्या इसमें आप सक्षम है? नहीं, इसमें सक्षम तो नहीं है हम। कहे काहे नहीं है? काहे काहे कि कोई अपना बिना गार्जियन का कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कुछ भी बोल रहे, मतलब क्या हो रहा है भाई? अच्छा सुनिए, गार्जियन आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे? नहीं, जिंदगी भर तो नहीं। आप बोल रहे हैं गार्जियन, ऐसे कहिए ना भैया कि हम कुछ करेंगे तो हमारे गार्जियन हमें साथ दे, हमें अगर हम कहे तो किसी प्रकार का दबाव ना दे कि यह कार्य ना करे, क्या? हाँ हाँ सही बात है। अच्छा ये लफुआ गिरी वाला काम करते, इसमें भी गार्जियन साथ? नहीं नहीं, लफुआ गिरी नहीं कर रहे हम। क्या कर रहे हैं? ऐसे ही आए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने आए, पंडाल में पढ़ाई हो रहा है भाई, ये कौन सा पढ़ाई हो? अभी तो पढ़ाई नहीं होती, प्रवचन सुनने के लिए भाई। ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। बिहार है, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, कुछ भी संभव है यहाँ। सुनिए, यहाँ का सिस्टम ही गलत है। स्टूडेंट को कहे आप दोष दीजिएगा, आपको दोष देना है तो सरकार को दीजिए। यहाँ का जो शिक्षा है, शिक्षा नीति है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रही है इसमें मतलब जो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता उसको 450+ नंबर आता है। वो एक अगर उसको 450 नंबर आता है और कभी भविष्य में वो जॉब नहीं लेता, अगर जॉब भी लेता है तो घूस दे कर लेता है। इसको आप, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोले, सिर्फ आप बोले कि बिहार में जो है ना, अगर हम शॉर्ट भाषा में आपके द्वारा बोलना चाहेंगे, आपके लिए बोलना चाहेंगे, इनका कहना है कि बिहार के सरकारी सिस्टम भ्रष्ट है, ना कि शिक्षा व्यवस्था। हम नहीं कहेंगे कि, क्योंकि अगर हम बात करें टालने का रीजन है, सरकारी सिस्टम भ्रष्ट होते जा रहा है। अगर बात करें तो सरकारी सिस्टम पर अगर नेताओं आप ध्यान दीजिएगा तो इन युवाओं का जवाब, इन युवाओं का प्रश्न का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दे। हालांकि और कि आप जो बोले कि बेरोजगारी बिहार में बहुत ज्यादा बढ़े, बेरोजगारी का समाधान कैसे होगा, इसके बारे में आप कुछ बोलिए, हम आपसे कहना चाहते। बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि आप सरकार के प्रति ही निर्भर ना रहे, सरकार पर ही निर्भर ना रहे, आप खुद भी कुछ प्रयास करें, कुछ कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि भविष्य में हो सकता है सरकार का कोई भी काम, जैसे देख रहे हैं ना, एक से बढ़कर एक मिशन निकल रहा है और वो भी फेल हो रहा है। ससुरा समझ आ रहा है? यहाँ भी सरकार को भी दोष नहीं देना, यहाँ का जो जनता है ना उसके दोष दीजिए, कहे कि यहाँ का जनता जो है बिहार में, हम देख रहे हैं देश में तो धर्म की बात चल रही है, बिहार में लेकिन जातिवाद, जातिवाद के कारण हमारा जो बिहार है वो नीचा चला रहा है, गर्त में जा रहा है। तो जातिवाद जब तक हटेगा नहीं तब तक बिहार का विकास होगा नहीं, इसलिए हम नेताओं को कहना चाहते हैं कि आप जाति पर ना जाइए। और हम जनता को भी यही सूचना देना चाह रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जातिवादी आप मत छोड़िए, जो आपको अच्छा लगे उसको मत दीजिए, क्योंकि आप अगर जातिवादी सोचेंगे तो नेता भी जातिवादी सोचता कि जो जाति का रहता उसी को। अभी देखिए बिहार में हमेशा इधर से उधर सरकार, मतलब ऐसा में सरकार नहीं चला, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होंगे
वो एक ही बार बने ताकि नया सोच के मुख्यमंत्री बिहार में आए, ताकि नया बच्चों को जो भविष्य होना चाहिए वो अच्छा बेहतरीन बने। बिल्कुल पूरा भारत बिहार होना चाहिए आत्मनिर्भर, यानी कि खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर विश्वास करें और इसके साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना। जब कर्म नहीं करेगा तो कैसे होगा। हम गार्जियन को पैसा खर्चा कर रहे हैं, स्कूल हम जा करके मेहनत करके, हम गार्जियन को छोड़कर परिवार छोड़कर के वहाँ ट्यूशन करते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। कुछ जनता को भी दोष देने का प्रयास करेंगे, चूंकि चुनाव में जातिवाद और साथ ही साथ 500 का डिमांड होता है, ऐसा अगर ना करे तो बिहार का भविष्य जरूर बदलेगा। बाकी इन युवाओं के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।